नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है मधु की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक और चावल से एक मजेदार रेसिपी जो आपको बहुत बेहद ही पसंद आएगी। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये मैंने पालक के पत्ते लिए हैं, धो गए, कम से कम 10 से 15 पत्ते हैं, जिसे मैं मिक्सर में पीस लूंगी। इसको हम बारीक पीसेंगे, इसमें हमने पानी नहीं डाला है। अगर जरूरत पड़ा तो हम इसमें पानी भी डाल लेंगे थोड़ा। इसको बारीक हमने पीस लिया है, पेस्ट बना लिया है। इसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी चावल लिया है, आधा कटोरी मटर लिया है, हरा मटर जो मार्केट में आजकल फ्रेश मटर मिल रहा है, 2 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग और 1 छोटा प्याज बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा नमक हमको जरूरत पड़ेगा, और फ्राई करने के लिए घी। कुकर गर्म हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी, देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है, हम इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग, आधा चम्मच जीरा। और मसाले को हल्का भूनने देंगे। मसाला भुन गया है, और हम डालेंगे इसमें कटा हुआ प्याज जो हमने पहले से ही काट के रखा था। और इसको हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल को हमने धो के रख लिया था, और इसको डालेंगे हम। और अच्छी तरह से इसको हम चलाएंगे, और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अभी भून गया है, इसमें हम डालेंगे मटर। ये हमने आधा कटोरी मटर लिया है, इसको हम डाल देंगे। इसको भी थोड़ा सा भूनेंगे हम। मटर भी थोड़ा भून चुका है, और हम डालेंगे इसमें जो हमने पालक को पीसा था, पालक के पेस्ट को डालेंगे। इसको भी हम
अच्छे ढंग से मिला लेंगे। देखिए इसका कलर एकदम ग्रीन हो गया, इतना अच्छा लग रहा है देखने में। इसको भी हम थोड़ी देर और पकाएंगे, फिर इसमें डालेंगे हम पानी। बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे। ताकि चावल कुकर में तली में पकड़े ना। और हम इसमें हम डालेंगे पानी। हमने एक कटोरी पानी लिया है, कम पड़ेगा तो और भी डालेंगे। इसमें हमने लगभग 2 कटोरी पानी डाला है। पानी चावल से बहुत ऊपर नहीं होना चाहिए, पानी चावल के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि हमने इस चावल को फ्राई किया है। अब इसमें लगाएंगे हम सीटी, 1 से 2 सीटी हम इसमें लगाएंगे। पुलाव बन के तैयार है, देखिए क्या किला किला पुलाव हुआ है। तो आइए इसको हम प्लेट करते हैं। ये पालक पुलाव बन के तैयार है। पालक पुलाव बहुत हेल्दी होता है। बच्चे अगर आपके घर में पालक नहीं पसंद करते हैं तो आप पालक पुलाव बना के बच्चों को खिला सकते हैं। ये बहुत हेल्दी, टेस्टी और फायदेमंद है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इसको हम पनीर के साथ या चटनी के साथ, इस समय ठंडी का मौसम है तो आप आलू गोभी की सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।